टूजी घोटाले में अनिल अंबानी और उनके पति टीना अंबानी को सरकारी गवाह बनाए जाने पर आज फैसला हो सकता है। सीबीआई ने इन दोनों को गवाह के तौर पर अदालत में बुलाने की अर्जी लगाई थी। रेलवे घुसकांड में आज पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सिंगला के अलावा रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार के साथ साथ दो और आरोपियों की बेल पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस पी सत्यशिवम को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाएंगे। 64 साल के सत्यशिवम सुप्रीम कोर्ट के 40वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। एसिड हमला पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सभी पीड़ितों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश देते हुए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। बिहार के छपरा में जहरीले मिड डे मील को लेकर आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। छपरा के मसरख के एक सरकारी स्कूल में खाना खाने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार में हुआ मिड डे मील कांड जैसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक निगरानी कमेटी बनाने का फैसला किया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ट्रक और मिनी ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद एक ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा रहा। करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला। यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के पिता पुत्र शामिल है, जबकि दूसरे हादसे में अफगानी मूल के एक शख्स की मौत हो गई है। दिल्ली में आपसी रंजिश में 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। माजिद और सलीम गुरुवार रात 9 बजे सीलमपुर अपने घर जा रहे थे, तभी पीछा करके 4 बदमाशों ने इन दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। दिल्ली के विवेक विहार में एक महिला को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात के समय महिला के साथ उसका 2 साल का बेटा भी था। राजस्थान के पाली की रहने वाली एक नाबालिग लड़की इंसाफ के लिए दर्दी में दर दर भटक रही है। इस लड़की को पाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के पीए मोहन भाटिया और उसके 2 साथियों ने अगवा कर लिया था। इन तीनों ने इस लड़की के साथ 1 महीने तक गैंगरेप किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस के कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंचे ज्ञान राव लोखंडे नाम के इस पत्रकार को कांग्रेसी तब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में तनाव और जेकेएलएफ के बंद को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां बाजार बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तनाव को देखते हुए अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। रामबन में बीएसएफ के जवानों और स्थानीय लोगों में हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। जम्मू राजौरी डोडा समेत दूसरी कई जगहों पर बीएसएफ के खिलाफ गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली और एनसीआर में टमाटर के बाद अब प्याज लोगों को रुलाने लगा है। खुदरा बाजार में प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। भारी बारिश के चलते प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं।